एक ऐसा वंश जिसने भारत की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा सैकड़ों वर्षों तक किया, और वो वंश था गुर्जर प्रतिहार वंश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। कुछ अभिलेखों के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के पूर्वज माने जाते हैं। वहीं कुछ और अभिलेखों के अनुसार प्रतिहार वंश का उदय आबू पर्वत पर हुए यज्ञ के अग्निकुंड से हुआ था। दोस्तों, प्रतिहार का मतलब द्वारपाल होता है। वैसे भी इस वंश ने देश की सीमाओं की रक्षा कई सदियों तक एक द्वारपाल की तरह किया। दोस्तों, इस वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। वैसे इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद हैं, लेकिन नागभट्ट एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र शासक था, इसलिए नागभट्ट को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, नागभट्ट 710 ईस्वी में राजा बना। उस समय अरब का शासक मोहम्मद बिन कासिम भारत के अभियान पर निकला हुआ था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा की बेरहमी से हत्या करके सिंध पर अपना अधिकार कर चुका था, लेकिन मुस्लिम खलीफा के मृत्यु के बाद उसे वापस अरब लौटना पड़ा। लेकिन इसके द्वारा सिंध पर बैठाया गया मुस्लिम शासक जुनैद ने भारत में घुसने के लिए नागभट्ट प्रथम पर आक्रमण किया। दोस्तों, नागभट्ट ने इसे सिंध से आगे बढ़ने नहीं दिया। नागभट्ट के बाद उसके दो भतीजे कुक्कुक और उसके बाद उसका छोटा भाई देवराज राजा बना। दोस्तों, इन दोनों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुक्कुक के बारे में कहा जाता है कि इसने जंगलों को जलाकर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया था। दोस्तों, देवराज के बाद 783 ईस्वी में वत्सराज राजा बना। दोस्तों, किसी समय वर्धन वंश की राजधानी रही कन्नौज पर एक कमजोर राजा इंद्रायुध का राज था। कन्नौज गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था, इसलिए कन्नौज राजनीतिक और व्यवसायिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया था। दोस्तों, पाल नरेश धर्मपाल की नजर उस पर थी। इंद्रायुध ने प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज से सहायता मांगी और वत्सराज ने सहायता दी। इस युद्ध में धर्मपाल की हार हुई। दोस्तों, वत्सराज ने धर्मपाल को हराने के बाद कन्नौज पर खुद अधिकार कर लिया, लेकिन युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ। इधर राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव ने यह सब देखकर वत्सराज पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध के बाद वत्सराज की हार हुई। दोस्तों, इस युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, वत्सराज को हराकर राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव ने कन्नौज पर शासन नहीं किया, वो वापस दक्षिण लौट गया। इसका फायदा उठाते हुए इधर पाल नरेश ने इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को अपने देखरेख में राजा बना दिया। दोस्तों, वत्सराज ने राजस्थान के मध्य भाग एवं उत्तर भारत के पूर्वी भाग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी में राजा बना। दोस्तों, ग्वालियर अभिलेखों के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने त्रुशक, किरात, मत्स और वत्स पर जीत हासिल की थी। नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्ट आकर महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय ने अपने पिता के हार का बदला लेने के लिए कन्नौज पर फिर आक्रमण किया और पाल नरेश धर्मपाल को हरा दिया और चक्रायुध को हटाकर कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन फिर से राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक गोविंद तृतीय ने उस पर आक्रमण कर दिया और फिर से प्रतिहार राजा नागभट्ट की हार हुई। लेकिन दोस्तों, गोविंद द्वितीय ने भी कन्नौज पर अधिकार नहीं किया, वो बस आया और पूरे कन्नौज को तहस नहस कर वापस चला गया। दोस्तों, बाद में नागभट्ट ने फिर से कन्नौज पर आक्रमण किया था और जीत हासिल करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। दोस्तों, नागभट्ट के बारे में कहा जाता है कि उसने गंगा में समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे।
दोस्तों, नागभट्ट के बाद प्रतिहार वंश का अगला प्रभावी राजा मिहिर भोज 850 ईस्वी में राजा बना। दोस्तों, मिहिर भोज एक शक्तिशाली और महान शासक था। सिंहासन पर बैठते ही भोज ने सर्वप्रथम कन्नौज राज्य की व्यवस्था को ठीक किया। प्रजा पर अत्याचार करने वाले सामंतों, रिश्वत खाने वाले कामचोर कर्मचारियों को कठोर रूप से दंडित किया। व्यापार और कृषि कार्य के लिए इतनी सुविधाएं प्रदान की कि सारा साम्राज्य धन धान्य से लहला उठा। दोस्तों, मिहिर भोज की शासन व्यवस्था की कई किताबों ने सराहना की है। दोस्तों, मिहिर भोज एक राष्ट्रभक्त भी था। 915 ईस्वी में भारत आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने अपनी किताब मुरुजुल महान में भी मिहिर भोज की 36 लाख पराक्रमी सेनाओं के बारे में लिखा है। मिहिर भोज की सेना में सभी वर्ग और जातियों के लोगों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे और इस्लामिक आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, मिहिर भोज ने पश्चिम के कई राजाओं को मिलाकर और कई राजाओं को जीतकर देश की पश्चिमी सीमाओं पर एक मजबूत दीवार खड़ी की थी ताकि कोई विदेशी ताकत भारत पर नजर न उठा सके। दोस्तों, मिहिर भोज ने पूरब में पाल नरेश को हराकर कन्नौज पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। लेकिन इस बार राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोद वर्ष की कन्नौज पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि दोस्तों मिहिर भोज ने दक्षिण में आगे बढ़कर अमोद वर्ष को भी हराया था। दोस्तों, इसने पश्चिम में अरब शासक इमरान बिन मूसा को भी पूरी तरह से उखाड़ फेंका। दोस्तों, मिहिर भोज ने ना सिर्फ देश की सीमाओं को मजबूत किया बल्कि उन राजाओं को भी सबक सिखाया जो बाहरी आक्रमणकारियों को कायरतावश अपने राज्य में शरण देते थे। दोस्तों, मिहिर भोज का साम्राज्य काबुल से लेकर आसाम तक था। दोस्तों, मिहिर भोज निसंदेह एक महान शासक था। 50 वर्ष तक राज करने के बाद अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास लेकर वन चले गए। दोस्तों, मिहिर भोज के बाद उनका पुत्र महेंद्रपाल 890 ईस्वी में राजा बना। इसने परम भट्टा कर महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके काल में कन्नौज का गौरव अपने शिखर पर था। दोस्तों, महेंद्रपाल की दो रानियां थी, देहनागा देवी और दूसरी महादेवी। देहनागा देवी के पुत्र का नाम भोज था और महादेवी के पुत्र का नाम महिपाल। दोस्तों, पिता के मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में गृह युद्ध शुरू हो गया और भोज द्वितीय सफल रहा, लेकिन वह बस कुछ वर्षों के लिए शासन कर पाया क्योंकि महिपाल चंदेल नरेश हर्षदेव की सहायता से अपने भाई को हराकर खुद राजा बन गया। लेकिन महिपाल के राजा बनने के बाद प्रतिहार वंश कमजोर होना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी महिपाल ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को कम नहीं होने दिया। सन 917 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और उसको अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन महिपाल ने चंदेल राजा की सहायता से अपने राज को पुनः अधिकार में ले लिया। महिपाल की मृत्यु सन 944 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद महेंद्रपाल द्वितीय राजा बना। उसने अपने पिता के राज्य को 2-3 वर्षों तक संभाला। उसके बाद उसका छोटा भाई देवपाल प्रतिहार वंश का अगला राजा बना। दोस्तों, देवपाल के समय ही इस साम्राज्य का टूटना शुरू हो गया था। चालुक्यों ने गुजरात में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। परमार मालवा में स्वतंत्र हो गए और इधर चंदेलों और चेदियों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देवपाल को चंदेल वंश के राजा यशोवर्मा ने हरा दिया था। इसके बाद महिपाल द्वितीय राजा बना। उसके बाद विजयपाल और फिर राजपाल राजा बना। दोस्तों, राजपाल के समय ही महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन राजपाल इसका सामना करने के बजाय अपने राज को छोड़कर भाग गया था। दोस्तों, महमूद गजनवी ने कन्नौज को ना सिर्फ बुरी तरह से लूटा बल्कि वहां कत्लेआम भी मचाया। राजपाल की इस कायरता को देखते हुए महमूद गजनवी के जाने के बाद चंदेल राजा विद्याधर ने उस पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद प्रतिहार वंश का अगला राजा त्रिलोचन बना, लेकिन यह बस नाम का राजा था। इसके बाद यशपाल राजा बना। दोस्तों, धीरे धीरे प्रतिहार वंश के हाथ से कन्नौज निकलता जा रहा था और कुछ समय बाद
1090 ईस्वी में गढ़वाल वंश के चंद्रदेव ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों, इस प्रकार गुजर प्रतिहार वंश को एक दुखद अंत देखना पड़ा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।